की रिपोर्ट। इंदौर जिले के बेटमा में वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर इंचार्ज थाना प्रभारी बेटमा उप निरीक्षक बिहारी सावले और उनकी टीम ने एक आरोपी को देसी कट्टे और एक जिंदा कारतूस के साथ रंगे हाथों पकड़ने में सफलता हासिल की। सूचना मिली कि एक व्यक्ति सोसाइटी के पास काली बिल्लोद गांव में संदिग्ध स्थिति में खड़ा है, जो अपराधी प्रवृत्ति का प्रतीत हो रहा है। सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए इंचार्ज थाना प्रभारी बिहारी सावले ने अपनी टीम के साथ इस संदिग्ध व्यक्ति को घेराबंदी कर धर दबोचा। जब उसकी तलाशी ली गई तो उसके कमर में एक देसी कट्टा व पेंट की जेब में एक जिंदा कारतूस मिला। जब उससे सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने अपना नाम संजय उर्फ पप्पू पटेल उर्फ 35 साल निवासी भानगढ़ थाना बरोठा जिला देवास होना बताया। देसी कट्टे के लाइसेंस के संबंध में पूछताछ में सही जानकारी नहीं होना बताया, जिस कारण आरोपी संजय को गिरफ्तार किया गया है। बेटमा से राजेंद्र सूर्यवंशी की रिपोर्ट। आसपास थाने पर एक सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति संदिग्ध अवस्था में काली बिल्लोद रोड पर खड़ा है और उसके पास अवैध हथियार होने की संभावना है। इस सूचना पर मैं हमरा थाने के फोर्स एएसआई सिसोदिया अजय सिंह पवार व मैं स्टाफ के वहां पर पहुंचा और उक्त सस्पेक्ट व्यक्ति को हम लोगों ने घेराबंदी कर पकड़ा और उसका नाम पता पूछते तथा उसकी तलाशी लेते उसके कमर में जिंदा रावण के 12 बोर का कट्टा मिला। उसको लाने के संबंध हमने पूछताछ करते तो गुमराह करने लगा तथा इसका नाम है क्या नाम अपना संजय उर्फ पप्पू पिता बाबूलाल पटेल हाथी समाज का है, जो काली बिल्लोद में अभी वर्तमान में निवासरत है, जो कि भानगढ़ थाना बरोठा जिला देवास का रहने वाला है, जो विगत करीबन 6-7 यहाँ निवासरत है किराए से और इसके बाद और भी अवैध हथियार मिलने की संभावना है। सर ये पूछताछ में अभी क्या पता चला कि इसको बेचने आ रहा था क्या? नहीं बेचने नहीं आ रहा है, अभी कुछ बरगला आ रहा है पुलिस को, तो हम हिम्मत अमली से पूछताछ कर रहे हैं और इसका पुलिस रिमांड लेंगे, उसके बाद ही आगे कार्रवाई।